हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एनएचटी टेक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे स्पीडी के सेट नंबर 5 को देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में इस बार के सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं या आते हैं उसको भी देखा जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है फ्रेंड्स कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे को तत्व को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक, रासायनिक गुण समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटेरियम होता है, जैसे कि इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक जो है नीचे वाले को कहते हैं परमाणु भार, मतलब ऊपर वाले जितने भी संख्या आपको दिख रहे हैं जैसे 1, 2, 3, ये सब परमाणु भार है, नीचे को परमाणु क्रमांक। तो ऊपर जो परमाणु भार आप देख रहे हैं सबका अलग अलग है, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, टाइटेरियम का 3 है, जबकि नीचे वाला परमाणु क्रमांक समान है। तो ये जो एग्जाम्पल है इस पहले क्वेश्चन को फॉलो करता है। ठीक, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं संभारिक किसे कहते हैं। तब संभारिक विभिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है फ्रेंड्स, लेकिन परमाणु क्रमांक समान नहीं होता, वैसे तत्व को हम लोग समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, कैल्शियम का परमाणु यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि परमाणु भार ऊपर वाला 40, इसी प्रकार आर्गन का भी 40। ठीक, लेकिन नीचे का परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन का 18 दिखाया गया है। ठीक, तो ये संभारिक की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक, अर्थात लिटमस पेपर की बात करें फ्रेंड्स, तो लिटमस पेपर की प्राप्ति जो है लाइकेन के द्वारा होता है, ये एक पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, आपको इमेज में दिखाते हैं। तो ये फ्रेंड्स इमेज में आपको देखने को एक पेड़ मिल रहा है, पेड़ की छाल पर ये जो आपको कवच मिल रहा है इसे लिटमस पेपर इसी से बनता है, इसी पेड़ की छाल से बनता है। इसका मुख्य कार्य फ्रेंड्स जो है कि अम्ल और क्षार की प्रॉपर्टी को बताना है। ठीक, जब आप लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोएंगे तो वो लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है। ठीक, अब जब आप इसे क्षार में डुबोएंगे तो यह लाल से नीला हो जाता है। ठीक, अम्ल को अम्ल जो है नीले से लाल, क्षार लाल से नीला। ठीक, और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देते हैं कि एक और विधि होता है जिसे पीएच स्केल, जिसे जिसकी खुद सोरेंसन ने की थी, इसके माध्यम से भी हम लोग लिटमस पेपर के अम्ल है या क्षार इसकी प्रॉपर्टी हम लोग जान सकते हैं पीएच स्केल के द्वारा। ठीक, खोज पूछता है किसने, सोरेंसन ने की है। अब चलिए देख लेते हैं पीएच स्केल से कैसे पता करते हैं। जैसे 7 से अगर अधिक होता है पीएच स्केल में तो उसे हम लोग क्षार की प्रॉपर्टी या क्षार के अंतर्गत आ जाता है वो सारी चीज़ें, और जो 7 से कम आता है वो अम्ल के अंदर आ जाता है। ठीक, अगर 7 रहेगा टोटल, मतलब 7 पे अगर फिक्स हो जाएगा तो वो उदासीन हो जाता है। ठीक, चलिए इससे फ्रेंड्स एक चीज़ और बहुत पूछता है, सबका पीएच मान वैल्यू बहुत पूछता है, हर आप शिफ्ट में कहीं ना कहीं मिल जाता है देखने को। तो इस इमेज में हम सारे पीएच मान को जहाँ जहाँ से पूछा जाता है हमने कवर किया है, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। दूध का पीएच मान 6.8, मानव लार का 6.4, सिरका का 3.0, नींबू के रस का ये पूछा गया है 2.2, आंसू का 7.4, सामान्य रक्त का 7.35 से 7.45 तक। अक्सर पूछे जाते हैं लाल रक्त का पीएच मान, तो आप ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको 7.4, ठीक, जो कि करेक्ट है, 7.4 मार दीजिएगा। इसी प्रकार शुद्ध जल का पीएच मान 7, समुद्री जल का 7.5 से 8.4 तक, मूत्र का पीएच मान 6, यूरिया का भी पीएच मान भी 6 होता है फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन है मूत्र का या यूरिया का ये पूछा गया है। मानव त्वचा का 5.5, एक फ्रेंड्स ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया गया था दांत का पीएच मान कितना होता है। ठीक, तो दांत का भी पीएच मान कितना होता है, 5.5। अंडे की सफ़ेदी 7.8, इसी प्रकार बैटरी में प्रयुक्त एसिड का 1,
जठर रस का 1, कार्बोनेटेड पेयजल का 2.5, अंगूर का 3, सेब का रस 3.5, बियर का 4, अमली वर्षा का 4.5, नाखून एवं बाल का 5.5, दांत का याद रखिएगा 5.5, या मुँह के अंदर 5.5, कास्टिक सोडा का 14, सामान्य वर्षा जल का 5.6 से 6, शराब का याद रखिएगा 2.8 से 3.8 तक। ठीक, तो ये सारे पेज माने जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की तरफ। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। जब अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन मारेंगे। जब फ्रेंड्स धातु की बात करता है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हमेशा पारा मारेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है या तरल अवस्था में पाया जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या मारेंगे, पारा। ठीक, और एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम हल्की धातु, लिथियम विद्युत ऋणात्मकता वाला सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, और आयनन विभव वाला तत्व सबसे ज़्यादा क्लोरीन का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 25 डिग्री टेम्परेचर पर ध्वनि की गति, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ये छूट गया। सोल्डर मिश्र धातु में टीन एक शीशा, मतलब सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं शीशा होता है, तो हम ऐसे हम एक जगह सारे मिश्र धातु और तत्व को कलेक्ट करके रखे हैं। चलिए इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं। पीतल में कापर और जिंक का प्रयोग करते हैं, जो कि बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार कांसा में कापर और एसएन टीन का प्रयोग करते हैं, सिक्का एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक, उपयोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूछ देता है कि सीसा सिक्का एवं बर्तन बनाने में किन दो अवयव घटक का प्रयोग करते हैं, तो याद होना चाहिए कापर एसएन, इसलिए उपयोग इम्पॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर में कापर जिंक निकिल का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है। गन मेटल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कापर जिंक एसएन टीन का प्रयोग करते हैं, जो कि तोप गियर बनाने में किया जाता है, तोप वगैरह या गियर वगैरह बनाने में। डेल्टा मेटल, इसमें कापर जिंक एफ लोहा, जिसका प्रयोग वाल्व बेयरिंग बनाने में किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार मुंज मेटल, इसमें कापर और जिंक का प्रयोग करते हैं जहाजरानी उद्योगों में। डच मेटल, कापर जिंक सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है डच मेटल का। उसी प्रकार मोडल मेटल का प्रयोग निकिल कापर के माध्यम से होता है, और यह रासायनिक संयंत्रों में प्रयोग होता है। उसके बाद टाका या सोल्डिंग में, जो कि इससे क्वेश्चन हमेशा आता है टाका, इसका हमेशा याद रखिएगा। इसमें एसएन मतलब टीन, पीबी मतलब सीसा, टीन और सीसा को मिलाकर बनता है, जो कि सोल्डिंग आयरन में इसका प्रयोग करते हैं जोड़ों में टाका लगाने के लिए। रोज मेटल में बिस्मथ, पीबी और टीन, ठीक, स्वचालित फ्यूज बनाने में। मैग्नेलियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। ठीक, ड्यूरेलुमीन का प्रयोग प्रेशर कुकर और हवाई जहाज का ढांचा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री टेम्परेचर पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, वैसे हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, और फ्रेंड्स और बात करें जो जो माध्यमों में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कांच में पूछ देता है, तो इसी प्रकार लोहा में पूछ देता है, एल्युमिनियम पूछ देता है, तो सारे को एक ही बार देख लेते हैं। दिया है जैसे जल में 14 तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
माध्यमों में वायु की चाल कितनी होती है उनको लिख दिया है। जैसे जल में कितना होता है 1493 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, जो पूछे गए हैं अक्सर काटो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ठीक फ्रेंड्स, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बटे में आर स्क्वायर, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के बीच का गुणनफल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जहां जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं, जहां जी का मान पूछा जाता है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन प्रति मीटर। पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये पौधों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक होता है फ्लोएम, दूसरा होता है जाइलम। फ्रेंड्स, जैसा कि चित्र में एक तरफ जाइलम दूसरी तरफ फ्लोएम देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, जाइलम जो होता है यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी देता है। यह पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक, इसीलिए इससे जल का संवहन उत्तक भी कहते हैं। अब फ्लोएम की बात करें फ्रेंड, तो फ्लोएम जो होता है यह जीवित उत्तक होता है जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाते हैं। यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है। यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए या मान लीजिए उसमें टूट फूट हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषण तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक, इसीलिए अगर भोजन का संवहन अगर नहीं होगा तो वो तो धीरे धीरे सूख, जैसे मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधा अगर उसकी टहनी टूट जाती है तो भोजन का संवहन नहीं हो पाता है, तो उसकी धीरे धीरे देखेंगे कि पत्तियाँ और पत्तियाँ वगैरह जब सूख जाती हैं। ठीक, और वो स्वरूप क्या मिलता है हमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल प्राप्त होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसकी संरचना आपको बेंजीन जैसे शाखाएं मिलने देखने को मिलती है। ठीक, हर एक कार्बन के साथ दूसरा परमाणु हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल की तौर पे देखा जाए तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि जो है ये सरीसृप हाइड्रोकार्बनिक तत्व कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है भारहीनता की स्थिति में होता है, और कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे भारहीनता महसूस किया जाता है। जैसे जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तो उसमें बैठा व्यक्ति भारहीनता का महसूस करेगा। उसी प्रकार जब अंतरिक्ष यान में उपस्थित व्यक्ति अपने आप को भारहीनता का महसूस करता है, भारहीनता जैसा महसूस करता है। ठीक, इमेज में दिखा देते हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए, ये लोग एस्ट्रोनॉट हैं, यहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो गई है, इसके कारण ये लोग उड़ रहे हैं, भारहीनता महसूस कर रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मज कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक मादा का यौन कोशिकाओं को डिम या ओवम के भी नाम से जानते हैं। ओवम या अंडे में पानी पाया जाता है और यह भोजन का संचयित रखता है, भोजन को संचयित करके रखता है ओवम।
और युग्मज को निषेचन अंडा या निषेचित डिंब भी कहा जाता है। युग्मज को यह युग्मज विकसित होकर एक नए शिशु में बदल जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स, जब गर्भावस्था में बच्चा माँ के यूटेरस से एक झिल्ली नुमा संरचना से जब जुड़ा होता है फ्रेंड्स, उस कंडीशन में जो बच्चे को पोषण या बच्चा जो है अपना उत्सर्जन कहाँ करता है, किसके माध्यम से होता है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स प्लेसेंटा एक अंग होता है जिसके माध्यम से भ्रूण में पोषण और उत्सर्जन का कार्य होता है। प्लेसेंटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्नन के कारण मोटी होती है। फ्रेंड्स इस इमेज में आपको स्क्लेरेकाइमा देखने को मिल रहा है, ये नीचे वाला, इसे कहते हैं स्क्लेरेकाइमा, हिंदी में इसको जीर्ण उत्तक के नाम से भी जानते हैं। स्क्लेरेकाइमा की कोशिका भित्ति लिग्नन की बनी होती है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये और क्या क्या से इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। ठीक, पौधों के आंतरिक भाग व बाहरी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? स्क्लेरेकाइमा। ठीक, अब चलते हैं इससे और रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चित्र देखने को मिल रहा है जिसे हम लोग कहते हैं मृदु उत्तक, इंग्लिश में बोलते हैं पेनरेकाइमा। पेनरेकाइमा फ्रेंड्स पौधों को संरक्षण करता है, साथ ही साथ पौधों को पत्तियों में भोजन निर्माण करता है, पेनरेकाइमा। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसे मृदु उत्तक भी कहते हैं। ठीक, और तीसरा आपको चित्र में देखने को मिल रहा है जिसे हम लोग कहते हैं स्थूल उत्तक कोड या कोलेनेकाइमा। ठीक, तो जो कोलेनेकाइमा होता है फ्रेंड्स, यह जो पौधों को यह भी यांत्रिक सहायता देता है। ठीक, यांत्रिक सहायता देने का काम कौन करता है? कोलेनेकाइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को आवर्त कहते हैं। ठीक, तो मेंडलीव साहब ने सर्वप्रथम जो है कि तत्वों को परमाणु भार के क्रमानुसार आवर्त सारणी में सजाने का कार्य किया था। ठीक, और उस समय मेंडलीव के समय में तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक, और क्या पूछता है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम आवर्त और वर्ग के बारे में बताया था। कितने आवर्त होते हैं? आवर्त 7 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 18 होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीडन कहलाता है। ठीक, इसको अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। पहली चीज फ्रेंड्स, हम लोगों को पता होगा कि ध्वनि जो है बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकता, मतलब ध्वनि की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, दूसरी चीज, माध्यम अगर वायु की बात करें तो ध्वनि वायु में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक, तो जहाँ पे कणों की संख्या अधिकतम होती है या कणों की संख्या का घनत्व अधिक होगा उस स्थान को हम लोग संपीडन कहते हैं। ठीक, और जहाँ पर वायु के कण जो हैं दूर दूर होते हैं तो उस स्थान को हम लोग विरणल कहते हैं। ठीक, जैसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति तक कानों में आवाज़ कैसे जाता है, तो यही विधि है वायु जो है, वायु में ध्वनि के कण संपीडन विरलन होते होते दूसरे व्यक्ति तक आवाज़ हमारी चली जाती है और व्यक्ति वो सुन लेता कि हम क्या कहते हैं। ठीक, फ्रेंड्स ये छोटी सी मेहनत कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।